the recording. रेवेन्यू ऑफ अ फर्म में हम तीन टर्म्स से डील कर रहे होंगे, एक टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि टोटल रेवेन्यू इज प्राइस टाइम्स क्वांटिटी, कि जो प्रोडक्ट भी फर्म बेच रही है उसकी जितनी भी क्वांटिटी उसने बेची है अगर उसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू या सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर मैंने इक्वेशन मेंशन की भी है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ यूनिट सोल्ड। तो ये इंतहाई आसान बात है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, कि सेल्स रेवेन्यू हम किस तरह निकालेंगे, जितनी क्वांटिटी हमने बेची है उसको प्राइस से मल्टीप्लाई करके हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। एवरेज रेवेन्यू एक्चुअली प्राइस को ही कहते हैं। एवरेज रेवेन्यू निकालने के लिए हम टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स सोल्ड से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा, यानी कि पर यूनिट रेवेन्यू आ जाएगा, यानी कि एक यूनिट पर फर्म कितना रेवेन्यू कमा रही है, दैट इज एवरेज रेवेन्यू। और एवरेज रेवेन्यू हमेशा प्राइस के इक्वल होगा, क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है कि टोटल रेवेन्यू की इक्वेशन को अगर आप देखें तो उसी को चेंज करके हम एवरेज रेवेन्यू निकाल रहे हैं। टोटल रेवेन्यू को मैंने क्वांटिटी ऑफ यूनिट सोल्ड को यहां मल्टीप्लाई हो रहे थे इस इक्वेशन में, टोटल रेवेन्यू की इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ यूनिट सोल्ड यहां मल्टीप्लाई हो रहा था, मैंने उधर जाके डिवाइड कर दिया उसको, यानी टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी ऑफ यूनिट सोल्ड से डिवाइड करूंगा तो वापस प्राइस आ जाएगी। और एवरेज रेवेन्यू ऑब्वियसली हम प्राइस को ही कहते हैं, तो जब हम टोटल रेवेन्यू को यूनिट सोल्ड से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा, जिसका मतलब है कि पर यूनिट रेवेन्यू फर्म को क्या मिल रहा है ऑन एवरेज। उसके बाद हमारे पास तीसरी चीज आ जाती है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं हम, चेंज इन टोटल रेवेन्यू को चेंज इन क्वांटिटी ऑफ यूनिट सोल्ड कर देंगे हम तो हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा। मार्जिनल रेवेन्यू है क्या? मार्जिनल रेवेन्यू इज द एडिशनल रेवेन्यू ड्यू टू द सेल्स ऑफ एन एडिशनल यूनिट। एक मजीद यूनिट बेचने से फर्म को जो मजीद रेवेन्यू मिल रहा है दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। यानी कि अगर हमें यह देखना है कि एडिशनल सम यूनिट्स बिकने से एडिशनल रेवेन्यू क्या आया फर्म के पास, तो हम चेंज इन टोटल रेवेन्यू को चेंज इन क्वांटिटी ऑफ यूनिट सोल्ड से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एडिशनल रेवेन्यू या मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा, जिसका मतलब यह है कि एक मजीद यूनिट बेचने से फर्म के टोटल रेवेन्यू में क्या चेंज आया। अब एक बात ये समझ लें कि बजाहिर ऐसा लगता है कि हम ये एवरेज रेवेन्यू की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां भी हम एक यूनिट के रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, तो अपेरेंटली ऐसा लगता है कि यहां भी हम वही बात कर रहे हैं, लेकिन माइंड इट के इसमें फर्क है। पहली बात तो ये कि हम यहां इस टॉपिक में डिस्कस कर रहे होंगे कि किसी भी डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व पर रेवेन्यू को क्या हो रहा है प्राइस चेंज करने पर, एवरेज रेवेन्यू को क्या हो रहा है प्राइस चेंज करने पर और मार्जिनल रेवेन्यू को क्या हो रहा है प्राइस चेंज करने पर। हम ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व पर भी देख रहे होंगे और हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व पर भी देख रहे होंगे। आप आगे चलकर ये पढ़ेंगे कि मोनोपोली जो डिमांड कर्व फेस कर रही होती है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जबकि परफेक्ट कॉम्पिटिटर जो क्या कहते हैं डिमांड कर्व फेस कर रहा होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। तो हम ये देखेंगे कि जब डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व पर प्राइस चेंज हो रही होगी तो चेंज इन रेवेन्यू ड्यू टू चेंज इन यूनिट सोल्ड डिफरेंट आ रहा होगा एज कंपेयर्ड टू एवरेज रेवेन्यू, इसलिए मार्जिनल रेवेन्यू इज समथिंग डिफरेंट देन एवरेज रेवेन्यू, जो कि आपके आगे चल के समझ में आएगा। यहां मैंने बस थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश की आपको
एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का हमेशा सेम होना जरूरी नहीं है। मार्जिनल रेवेन्यू एक डिफरेंट चीज है कि एडिशनल यूनिट बेचने से एडिशनल रेवेन्यू क्या आया, जबकि एवरेज रेवेन्यू में हम सिर्फ ये निकाल रहे हैं कि ऑन एवरेज एक यूनिट से फर्म कितना रेवेन्यू कमा रही। और वहां पर हम जाहिर बात है कि टोटल रेवेन्यू को टोटल क्वांटिटी ऑफ यूनिट सोल्ड से डिवाइड कर रहे होंगे, जबकि मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए हम चेंज इन टोटल रेवेन्यू को चेंज इन क्वांटिटी ऑफ यूनिट सोल्ड से डिवाइड कर रहे होंगे। तो माइंड इट के मार्जिनल रेवेन्यू एक डिफरेंट चीज है, जबकि एवरेज रेवेन्यू एक डिफरेंट चीज है। एवरेज रेवेन्यू ये बता रहा है कि ऑन एवरेज कितना रेवेन्यू कमा रही है फर्म पर यूनिट, जबकि मार्जिनल रेवेन्यू ये बता रहा है कि एडिशनल यूनिट बिकने की वजह से फर्म का एडिशनल रेवेन्यू क्या आया। और क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू का सेम होना जरूरी नहीं है, इसलिए ये दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज हैं। आगे चलकर ये बात और समझ में आ जाएगी आपकी। हम फिलहाल डिस्कस करने जा रहे हैं कि किसी भी डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व पर मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू को क्या हो रहा होगा। आप मेरी हेडिंग देख सकते हैं यहां पर, अ डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व एंड रेवेन्यू ऑफ द फर्म। यानी कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर किसी फर्म का डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग हो पहली बात, और स्ट्रेट लाइन हो, तो वहां पर रेवेन्यू ऑफ अ फर्म किस तरह बिहेव करेगा। रेवेन्यू ऑफ अ फर्म बिहेव करने से क्या मुराद है कि रेवेन्यू को क्या हो रहा होगा, यानी कि सेल्स रेवेन्यू को, एवरेज रेवेन्यू को क्या हो रहा होगा और मार्जिनल रेवेन्यू को क्या हो रहा होगा प्राइस के चेंज होने से। ये हम देखना चाह रहे हैं किसी भी डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व पर। ठीक है, अच्छा, अब इस चीज को डिस्कस करने से के लिए डायरेक्ट मैं आ जाता हूं डायग्राम पर और अपनी कैलकुलेशंस पर। ये आपके सामने दो डायग्राम्स मौजूद हैं और उनकी कैलकुलेशंस मौजूद है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व यहां पर शो किया हुआ और उस पर प्राइस इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड मेंशन की हुई है। मैंने यहां ये मेंशन किया हुआ है कि अगर हम हायर प्राइसेस पर देखें डिमांड कर्व पर, तो क्योंकि हायर प्राइसेस पर हमारी इनकम का बड़ा प्रोपोर्शन लग रहा होगा, इसलिए यहां डिमांड कर्व इलास्टिक होगा इस रेंज में। जबकि लोअर प्राइसेस पर हमारी इनकम का छोटा प्रोपोर्शन लग रहा होगा, इसलिए यहां डिमांड रिलेटिवली इनइलास्टिक होगी और बीच में कहीं डिमांड यूनिट इलास्टिक भी होगी। मैं जरा सा आपको याद दिला दूं कि एस लेवल में जब आप फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ रहे होते हैं, तो वहां एक बात ये पढ़ रहे होते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस चीज पर भी डिपेंड कर रही होती है कि किसी चीज पर आपकी इनकम की कितनी प्रोपोर्शन खर्च हो रही है। इस बात को मैं इस तरह समझाता हूं कि फर्ज करें अगर 15 रुपए वाली चीज 20 रुपए की हो रही होगी, तो 15-20 रुपए आपकी इनकम का इतना छोटा पार्ट है कि प्राइस के बढ़ने से आपकी डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 15 रुपए वाली चीज 20 रुपए की हो भी रही है तो आपकी डिमांड उतनी ही रहेगी, क्योंकि आपकी इनकम का इतना छोटा पार्ट लग रहा है कि आपको कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। लेकिन अगर 15,000 वाली चीज 20,000 की हो रही होगी, तो क्योंकि आपके इनकम का बड़ा प्रोपोर्शन लग रहा है उसके ऊपर, तो आपकी डिमांड इलास्टिक हो जाएगी। ठीक है, आप में से कोई सवाल पूछना चाह रहा है तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज अपना माइक म्यूट कर लें, पंखे की आवाज आ रही है। ठीक है, अच्छा जी, सुन ले मेरी बात, मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात कि अगर 15 रुपए वाली चीज 20 रुपए की हो रही है तो डिमांड में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि 15-20 रुपए की कोई अहमियत ही नहीं है, इतना कम अमाउंट है, डिमांड इनइलास्टिक रहेगी। लेकिन अगर 15,000 वाली चीज 20,000 रुपए की हो जाए तो डिमांड इलास्टिक हो जाएगी, रिस्पॉन्सिव हो जाएगी, क्योंकि परसेंटेज चेंज तो वही है 15 से 20 का, लेकिन
हमारी इनकम की अब बड़ी प्रोपोर्शन लग रही है उस चीज पर, दैट्स व्हाई आवर डिमांड वुड बिकम सेंसिटिव। तो याद रखें हायर प्राइसेस पर क्योंकि आपकी इनकम का बड़ा प्रोपोर्शन लग रहा है तो योर डिमांड वुड बी इलास्टिक, पीडी वुड बी ग्रेटर देन माइनस वन, माइनस क्या मैंने मेंशन नहीं किया है। और लोअर प्राइसेस पर क्योंकि आपकी इनकम की बहुत छोटी प्रोपोर्शन लग रही है इसलिए इन प्राइसेस पर आप देखेंगे कि डिमांड इनइलास्टिक है, यानी कि पीडी लेस देन माइनस वन है, जबकि बीच में कहीं डिमांड कर्व पर पीडी इक्वल टू माइनस वन भी होगी, यानी के यूनिट इलास्टिक होगी। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो पीडी ग्रेटर देन माइनस वन होगी हायर प्राइसेस पर, बीच में यूनिट इलास्टिक, नीचे इन इलास्टिक। इस बात को साबित करने के लिए कि ऐसा वाकई है, और प्लस आपको यह दिखाने के लिए कि फिर टोटल रेवेन्यू को क्या हो रहा है प्राइस चेंज करने पर, मार्जिनल रेवेन्यू को क्या हो रहा है, एवरेज रेवेन्यू को क्या हो रहा है, ये सब शो करने के लिए मैंने एक डिमांड कर्व बीच में एक और देखें आप अज्यूम कर लिया, उस पर प्राइसेस मेंशन कर दी मैंने 0 से 10 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, और उस पर क्वांटिटीज शो कर दी 10, 20, 30, 40, 50, 60 से 100 तक मैंने क्वांटिटीज शो कर दी। मुझे नजर आ रहा है कि दिस लाइन इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, और डिफरेंट प्राइसेस दी हुई है मुझे और डिफरेंट क्वांटिटीज दी हुई है। अब मैं यहां अज्यूम कर रहा हूं कि फर्म प्राइस को कम करती चली जा रही है, माइंडेड आई एम अज्यूमिंग दैट फर्म क्वांटिटी को बढ़ा रही है 10 से 20 से 30 से 40, जिसकी वजह से उसकी प्राइस कम होती चली जा रही है, क्योंकि जाहिर बात है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व पर जब आप अपने आउटपुट को बढ़ाएंगे एक्स एक्सिस पर तो प्राइस कम होती ही चली जाएगी, क्योंकि 10 क्वांटिटी पर प्राइस है 10, 20 यूनिट्स पर प्राइस है 9, 30 यूनिट्स पर प्राइस है 8, तो जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे प्राइस कम होती चली जाएगी। माइंडेड कि जब मोनोपोली क्वांटिटी को बढ़ाती है तो प्राइस कम होती चली जाती है, और जब क्वांटिटी को कम करती है तो प्राइस बढ़ती चली जाती है। अब इस डायग्राम पर जो प्राइसेस और क्वांटिटीज मौजूद हैं उसको मैंने यहां राइट साइड पर आप देख सकते हैं कि उससे छोटा सा एक चार्ट बना लिया। यहां मैंने प्राइसेस मेंशन की हुई है, क्वांटिटीज मेंशन की हुई है, टोटल रेवेन्यू मेंशन किया हुआ है और मार्जिनल रेवेन्यू मेंशन किया हुआ है। इस बात का ख्याल रखिए कि ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व हमें नजर आएगा ये उन फर्म्स के केस में नजर आएगा जो प्राइस मेकर हैं, यानी कि मोनोपोली, और मोनोपोली अपने आउटपुट को मैनिपुलेट करके प्राइस को इन्फ्लुएंस करती है। अगर आउटपुट को बढ़ाएगी तो प्राइस कम हो रही होगी, और आउटपुट को कम करेगी तो प्राइस बढ़ रही होगी, यानी कि एक्चुअली वो प्राइस कंट्रोल कर रही है आउटपुट को मैनिपुलेट करकर। अब हम यहां इस चार्ट से देख सकते हैं कि जब प्राइस मोनोपोली ने आउटपुट को मैनिपुलेट करके प्राइस को 10 से लेकर 6 तक कम किया, यानी कि मोनोपोली पहले प्राइस को 10 से 9 पर, 9 से 8 पर, 8 से 7 पर, 7 से 6 पर लेके जा रही है, तो आप एक बात नोट करें कि जब मैं प्राइस को क्वांटिटीज से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरा टोटल रेवेन्यू बढ़ता चला जा रहा है। 10 से लेकर 6 तक जब मैं प्राइस को कम कर रहा हूं, 10, 9, 8, 7, 6 तक, तो मेरा टोटल रेवेन्यू बढ़ता चला जा रहा है, जो इस बात का एविडेंस है कि 10 से लेके प्राइस 6 तक डिमांड इलास्टिक है, क्योंकि आपको पता है कि इलास्टिक डिमांड कर्व पर ही प्राइस कम करने से टोटल रेवेन्यू बढ़ता है। ठीक है, थोड़ा इस लेवल याद करें, इलास्टिसिटी याद करें कि इलास्टिक डिमांड कर्व पर ही प्राइस कम करने से टोटल रेवेन्यू बढ़ता है। तो जब मोनोपोली प्राइस को 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6 पे लेके जा रही है तो हमें नजर आ रहा है कि टोटल रेवेन्यू बढ़ता चला जा रहा है 300 तक, तो इस बात का एविडेंस है कि इस रेंज तक डिमांड इलास्टिक है, पीडी ग्रेटर देन माइनस वन है। फिर जब मैं प्राइस को 6 से 5 पे लेके जा रहा हूं, या वापस 5 से 6 पे लेके जा रही है मोनोपोली, या 6 से 5 पे आ रही है, तो आप देखें 650 या 300 और 560 या 300 आ रहा है, यानी कि रेवेन्यू
कांस्टेंट है इन दो प्राइसेस पर, और आपको ये बात पता है एएस लेवल की नॉलेज से, पीईडी की नॉलेज से, कि जब किसी दो प्राइसेस पर रेवेन्यू सेम रहे तो इसका मतलब है कि वहां डिमांड यूनिट इलास्टिक है, यूनिटरी इलास्टिक है, राइट? आप देख रहे हैं कि क्वांटिटी में इक्वल एंड प्रोपोर्शनेट चेंज आ गया, जब प्राइस 6 थी तो क्वांटिटी 50 थी, जब प्राइस 5 हुई तो क्वांटिटी 60 हो गई, जो इस बात का सबूत है कि डिमांड यहां यूनिट इलास्टिक है और यूनिट इलास्टिक होने की वजह से रेवेन्यू सेम है। और फिर जब मैंने प्राइस को 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 पे लेके गया तो मुझे नजर आ रहा है कि मेरा रेवेन्यू फॉल ही होता चला जा रहा है, जो इस बात का सबूत है कि 5 से प्राइस ऑनवर्ड कम करने पर फर्म का डिमांड कर्व इनइलास्टिक हो गया अब, क्योंकि कम प्राइसेस पर अब इनकम की बहुत छोटी प्रोपोर्शन लग रही है और प्राइस कम करने से क्वांटिटी पर कोई खास फर्क उस सेंस में नहीं आ रहा, राइट? और नतीजा ये निकल रहा है कि टोटल रेवेन्यू फॉल होता चला जा रहा है। तो पता क्या चला कि अगर इनइलास्टिक डिमांड कर्व पर हम प्राइस को कम करेंगे तो टोटल रेवेन्यू फॉल होता चला जाए। तो ये बात फिर बड़ी क्लियर है कि 10 से लेकर 6 तक प्राइस कम करने से टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि इस रेंज में डिमांड इलास्टिक है, 6 से 5 तक डिमांड यूनिट इलास्टिक है, और 5 से ऑनवर्ड 1 तक प्राइस कम करने पर डिमांड इन इलास्टिक है क्योंकि रेवेन्यू फॉल हो रहा है। आई होप कि ये बात आपकी समझ में आ रही है, अगर समझ में आ रही हो तो प्लीज शो मी योर थंब। जी ओके ठीक है। फिर मैं मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करने पर आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करने पर आ गया, और मार्जिनल रेवेन्यू मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो अब देखें आप, चेंज इन टोटल रेवेन्यू पहले क्या आ रहा है, 100 से 180 तक चेंज आ रहा है रेवेन्यू में 80 का, जबकि क्वांटिटी में चेंज आ रहा है 10 का। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑफ यूनिट सोल्ड। तो चेंज आया 80 का, चेंज आया 10 का, 80 डिवाइड बाय 10, 8 आ गया। फिर उसके बाद चेंज इन रेवेन्यू आ रहा है 60 का, चेंज इन क्वांटिटी आ रहा है 10 का, 60 डिवाइड बाय 10, 6 आ गया। फिर जब 7th यूनिट बिका तो चेंज इन टोटल, सॉरी 40th यूनिट, 40 यूनिट्स बिके तो चेंज इन टोटल रेवेन्यू आया 40 का डिवाइड बाय 10, 4 आ गया। फिर 20 का चेंज आया टोटल रेवेन्यू में डिवाइड बाय 10, 2 आ गया। फिर 0 का चेंज आया डिवाइड बाय 10, 0 आ गया। फिर -20 का चेंज आया, क्योंकि रेवेन्यू 300 से 280 हो रहा है, तो -20 का चेंज आया डिवाइड बाय 10, -2 आ गया। फिर -4, फिर -6, फिर -8। तो इस तरह मैंने सारे मार्जिनल रेवेन्यूज कैलकुलेट कर लिए, ठीक है, 8, 6, 4, 2, 0, -2, -4, -6, -8 आपके सामने। अब जरा इस बात को समझना है कि ये मार्जिनल रेवेन्यू इस तरह क्यों बिहेव कर रहा है, और ये बात रखें कि मार्जिनल रेवेन्यू होता क्या है, जहन में ये रखनी, ये बात इंपॉर्टेंट बहुत है याद रखना, मार्जिनल रेवेन्यू है एडिशन इन टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है। जब फर्म ने 10 से 20 यूनिट बेचे तो एडिशन इन टोटल रेवेन्यू 8 का हो रहा है, फिर 6 का हो रहा है, फिर 4 का हो रहा है, फिर 2 का हो रहा है, फिर 0 का हो रहा है। क्या आप ये बात यहां से नोट कर सकते हैं कि जहां तक डिमांड कर्व इलास्टिक है 10 से 6 तक, क्योंकि वहां टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है प्राइस कम करने से, वहां तक मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है। कम तो हो रहा है लेकिन पॉजिटिव है, यानी कि 10 से लेके 6 तक डिमांड कर्व क्योंकि इलास्टिक है, इसलिए प्राइस कम करने से हमें नजर आ रहा है मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है, 8, 6, 4, 2। लेकिन जैसे ही मार्जिनल, जैसे ही डिमांड कर्व यूनिट इलास्टिक हुआ तो चेंज इन रेवेन्यू ऑब्वियसली जीरो आ रहा है, तो जीरो मार्जिनल रेवेन्यू ये इंडिकेट कर रहा है कि जहां भी मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होगा वहां डिमांड कर्व यूनिटरी इलास्टिक हो जाएगा। जिस रेंज में भी डिमांड कर्व इलास्टिक है 10 से लेके 6 तक, वहां तक मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव रहेगा। फिर जैसे डिमांड कर्व यूनिट इलास्टिक होगा मार्जिनल रेवेन्यू जीरो हो जाएगा, और जैसे ही 5 से ऑनवर्ड डिमांड कर्व इनइलास्टिक हो रहा है और टोटल रेवेन्यू फॉल हो रहा है,
वहां हमें नजर आ रहा है कि मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव है. तो मार्जिनल रेवेन्यू वुड बी पॉजिटिव व्हेन द डिमांड इज इलास्टिक, मार्जिनल रेवेन्यू वुड बी जीरो व्हेन द डिमांड इज यूनिट इलास्टिक, एंड मार्जिनल रेवेन्यू वुड बी नेगेटिव व्हेन द डिमांड इज इनइलास्टिक. और एवरेज रेवेन्यू मैंने यहां कैलकुलेट नहीं किया. क्यों नहीं किया? क्योंकि एवरेज रेवेन्यू प्राइस ही होता है. मिसाल के तौर पर एवरेज रेवेन्यू मैंने क्या बताया था आपको, कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी. तो देखें जरा रिवर्स में, 100 डिवाइड बाय 10, 10 ही आ गया एवरेज रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी दोबारा करें, 180 डिवाइड बाय 20, 9 आ गया. 240 डिवाइड बाय 30, 8 आ गया. तो माइंड इट कि प्राइस एवरेज रेवेन्यू ही होती है, इसलिए हमें एवरेज रेवेन्यू को अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं. अलबत्ता हमने देख लिया कि जहां डिमांड कर्व जिस रेंज में इलास्टिक है वहां प्राइस कम कर रहे हैं तो टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, जिस रेंज में डिमांड यूनिटरी इलास्टिक है वहां टोटल रेवेन्यू कॉन्स्टेंट है, जिस रेंज में डिमांड इन इलास्टिक है वहां टोटल रेवेन्यू फॉल हो रहा है, फिर जिस रेंज में डिमांड इलास्टिक है वहां मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है, जिस रेंज में डिमांड यूनिटरी इलास्टिक है वहां मार्जिनल रेवेन्यू जीरो है, जिस रेंज में डिमांड इन इलास्टिक है वहां मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव है. ठीक है, आई होप कि आपकी बात समझ में आई हो. मुझे बताएं कि समझ में आई बात या नहीं आई. शो योर थंब प्लीज. जी सर. ठीक है. अच्छा, अब इस इंफॉर्मेशन को लेके मैंने एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व नीचे प्लॉट किया हुआ है. ठीक है, तो जरा देखेंगे हम उसे. डायग्राम थोड़ी बड़ी है तो मैं इसको जरा जूम आउट करूंगा. ये रही डायग्राम आपके सामने, हुसैनोमिक्स मेरा ब्रांड नेम. एनीवे, देखें ये रही हमारे पास दो, ये जॉइंट डायग्राम बनी हुई है वर्टिकल. टोटल रेवेन्यू को नीचे प्लॉट किया है, एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू को ऊपर प्लॉट किया है. माइंडेड कि एवरेज रेवेन्यू क्या शो करता है, प्राइसेस. डिमांड कर्व क्या शो करता है, प्राइसेस और क्वांटिटीज. तो अब एक बात इंपॉर्टेंट ये याद रखें कि किसी भी फर्म का एवरेज रेवेन्यू कर्व ही उसका डिमांड कर्व होता है. बहुत गौर से ये बात दिमाग में बहुत अच्छी तरह बिठा लें कि किसी भी फर्म का एवरेज रेवेन्यू कर्व ही डिमांड कर्व होता है. और एवरेज रेवेन्यू कर्व भी कह सकता हूं मैं इसे, और प्राइस कर्व भी कह सकता हूं, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू और प्राइस मैंने आपको बताया कि इक्वल होती है. तो ये एक्चुअली प्राइस लाइन भी कह सकते हैं हम इसे, एसएससी तक. हम इसे डिमांड कर्व भी कह सकते हैं, हम इसे एवरेज रेवेन्यू कर्व भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दिखा रहा है कि हर क्वांटिटी पर प्राइस क्या है. ठीक है, तो माइंड इट कि एवरेज रेवेन्यू कर्व इज डिमांड कर्व ऑलवेज. मार्जिनल रेवेन्यू आपने वहां देखा था कि पहले पॉजिटिव था, फिर जीरो हुआ, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया इसने और फिर नेगेटिव के रेंज में चला गया. ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं कि मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ऊपर आप देख चुके हैं कि पहले पॉजिटिव था लेकिन फॉल हो रहा था, 8, 6, 4, 2 और फिर जीरो हुआ, फिर -2, -4, -6, -8. ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू आपको नजर आ रहा है कि पहले पॉजिटिव है लेकिन कम हो रहा है, 8, 4, 2. ठीक है, फिर जीरो हो गया और फिर -2, -4, -6, -8. तो दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू कर्व. फिर मैंने जी जी बोले सर, ये मार्जिनल रेवेन्यू जहाँ पे जीरो है यहाँ पे टोटल रेवेन्यू सबसे ज्यादा है, राइट? जी, मैं वहां आ रहा हूँ अभी, मैं उसको रिलेट भी करता हूँ. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. तो पहले आ गया एवरेज रेवेन्यू कर्व. मैंने आपको बता दिया कि एवरेज रेवेन्यू कर्व हम डिमांड कर्व को ही कहते हैं. इसको हम प्राइस लाइन भी कह सकते हैं, एवरेज रेवेन्यू कर्व भी कह सकते हैं, डिमांड कर्व भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बता रहा है कि किस क्वांटिटी पर क्या प्राइस है, यानी कि क्या एवरेज रेवेन्यू कर्व है, क्या एवरेज रेवेन्यू. फिर ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व वहीं से शुरू हो गया. ठीक है, और मार्जिनल रेवेन्यू हमें ये बता रहा है कि एडिशनल रेवेन्यू को क्या हो रहा है. मार्जिनल रेवेन्यू फॉल होता है कंटिन्यूसली, हम ऊपर देख चुके हैं 8, 4, 2, 0, -2, -4, -6, -8. तो मार्जिनल रेवेन्यू पहले पॉजिटिव है, फिर जीरो हुआ, फिर नेगेटिव में चला गया. और फिर आपने देखा था टोटल रेवेन्यू पहले बढ़ रहा था, 100, 180, 240, 280, 300 और 300 मैक्सिमम पर पहुंच के फॉल होना शुरू हो गया था.
इसलिए टोटल रेवेन्यू पहले बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है। लेकिन अब जरा बात गौर से सुनिएगा, माइंड इट के ये जो एवरेज जो हमारा डिमांड कर्व ए से बी तक है, ये रेंज ये बता रही है कि डिमांड कर्व इलास्टिक है यहां पर ए से बी तक। उस बात का सबूत ये है कि यहां मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है इस रेंज तक और टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, क्योंकि हमने बात की थी कि इलास्टिक डिमांड कर्व पर जब आप प्राइस को कम करेंगे तो टोटल रेवेन्यू हमारा बढ़ता रहेगा। ठीक है, जैसे डिमांड कर्व बी पर पहुंचा वहां डिमांड यूनिट इलास्टिक है, इसका सबूत यह है कि वहां मार्जिनल रेवेन्यू जीरो हो रहा है और टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, फिर मुझे नजर आ रहा है कि बी से सी तक डिमांड कर्व इनइलास्टिक है, क्योंकि यहां पर मुझे साफ नजर आ रहा है कि बी से सी तक मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव में चला गया और टोटल रेवेन्यू उल्टा फॉल होना शुरू हो गया, क्योंकि इनइलास्टिक डिमांड कर्व पर जब हम प्राइस को कम करेंगे तो हमारा टोटल रेवेन्यू उल्टा फॉल होना शुरू हो जाएगा। तो माइंड इट कि ए से बी तक हमारा डिमांड कर्व इलास्टिक है, जिसका सबूत यह है कि मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है और टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है। पॉइंट बी पर हमारा डिमांड कर्व यूनिट इलास्टिक हो गया, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ जीरो है, टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है। और बी से सी तक हमारा डिमांड कर्व इनइलास्टिक है, क्योंकि प्राइस कम करने से हमारा मार्जिनल रेवेन्यू अब नेगेटिव में चला गया और टोटल रेवेन्यू उल्टा फॉल होना शुरू। तो माइंड इट के ये वही रिलेशनशिप शो कर रहा है जो ऊपर मैंने चार्ट में शो की है। अब जरा सा एक और बात समझ लें, फिर हम इस बात को यहां पर खत्म करेंगे। फर्ज करें कि मैं उल्टा चलूं अब डिमांड कर्व पर, प्राइस बढ़ाना शुरू करूं। सी से बी तक डिमांड कर्व इनइलास्टिक है तो प्राइस बढ़ा रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है। अब रिवर्स में चलूंगा मैं टोटल रेवेन्यू कर्व पर भी, डिमांड कर्व पर भी रिवर्स में चल रहा हूं मैं, टोटल रेवेन्यू कर्व पर भी रिवर्स में चल रहा हूं। तो जब मैं, और आपको मालूम है सी से बी तक डिमांड कर्व इनइलास्टिक है, तो जब वहां प्राइस बढ़ा रहा हूं तो इनइलास्टिक डिमांड कर्व पर प्राइस बढ़ने से टोटल रेवेन्यू बढ़ता है, तो आप देखें ये बढ़ रहा है। फिर बी पर पहुंचकर डिमांड यूनिट इलास्टिक हो गई, मार्जिनल रेवेन्यू जीरो हो गया, टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम हो गया। और जब मैंने बी से ऑनवर्ड प्राइस को बढ़ाया तो क्योंकि वहां पर डिमांड इलास्टिक है तो उल्टा मेरा टोटल रेवेन्यू फॉल होना शुरू हो गया। तो चाहे मैं ऊपर से नीचे की तरफ आऊं डिमांड कर्व पर या नीचे से ऊपर की तरफ जाऊं डिमांड कर्व पर, ये रिलेशनशिप 100% ट्रू है। तो याद रखें कि मोनोपोली का डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, और अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो ऊपर की डिमांड, ऊपर की रेंजेस पर डिमांड इलास्टिक, बीच में यूनिट इलास्टिक और नीचे इनइलास्टिक होगी। और वहां पर फिर रिजल्ट ये आ रहा होगा कि अगर मोनोपोली प्राइस कम करती चली जाएगी तो इनिशियली तो टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा होगा, लेकिन एक सर्टन पॉइंट के बाद टोटल रेवेन्यू उल्टा गिरना शुरू हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहीं तक आपको लाना था, यही आपको बात याद रखनी है कि मोनोपोली का डिमांड कर्व क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, पहले इलास्टिक है, फिर यूनिट इलास्टिक, फिर क्या कहते हैं, फिर इनइलास्टिक, तो होगा ये कि मोनोपोली प्राइस अगर कम करती ही चली जाएगी तो पहले टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा होगा और फिर कम हो रहा होगा। इसलिए मोनोपोली को जरा सा ये देखना पड़ेगा कि कहां उसे प्राइस कम करते हुए रुकना है कि उसका टोटल रेवेन्यू उल्टा फॉल होना ना शुरू हो जाए। और अगर वो प्राइस बढ़ा रही है आउटपुट को कम करके, तो उसका डिमांड, उसका रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन सिर्फ वहां तक बढ़ेगा जहां मार्जिनल रेवेन्यू जीरो हो जाए। उसके बाद अगर उसने प्राइस बढ़ानी शुरू की बी से ऑनवर्ड, तो रेवेन्यू उल्टा कम होना शुरू हो जाएगा। प्लस एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि मोनोपोली के केस में एवरेज रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग हैं और दोनों अलग अलग हैं। आप जाके देखेंगे परफेक्ट कॉम्पिटिशन में नेक्स्ट क्लास में, तो आपको पता चलेगा कि एवरेज रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व वहां सेम होंगे, लेकिन यहाँ दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग हैं और दोनों अलग अलग हैं। आई होप कि ये सारा डिस्कशन आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ हमने देखा कि मोनोपोली का डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होने से क्या फर्क पड़ रहा है। आई होप कि आपके सारी बात समझ में आई होगी। कोई बात ना समझ में आई हो तो आप व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, और यूट्यूब पे जब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा तो वहाँ कमेंट सेक्शन में भी आप जाकर पूछ सकते हैं। और प्लीज मेरे चैनल को वहाँ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं आपसे लिंक शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।